गुरुदेव, देवी गंगा महासंकट में हमें उनकी आराधना द्वारा उनके मन की शक्ति को जागृत करना होगा। कदाचित वो तभी इस महासंकट का अंत कर पाएंगी। आप सत्य कह रहे हैं देवराज इंद्र। ये कैसा स्वर है? कहीं गंगा कोई छल तो नहीं क्या? हे देवी गंगा, आपकी परम पुनित कृपा से आज मैं ना केवल अंधकासुर के बंधन से अपितु आसुरी जीवन से भी सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। हे पितरों के संरक्षक आर्यमा, आज के पश्चात कोई भी असुर आपको बंदी नहीं बना पाएगा, क्योंकि हर की पौड़ी की स्थापना के कारण अब जो भी पितर आत्माएं मुक्त होंगी वो अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने धाम को प्रस्थान करेंगी। हे देवी गंगा, आपने पितरों की मुक्ति की है, दिव्य स्थापना करके समस्त संसार का कल्याण किया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो माँ। लगता है आर्य माँ की इच्छा पूर्ण हुई, किंतु पिताश्री और सभी लोग प्रभु, अब तक तो पितरों के उद्धार के लिए देवी गंगा को किसी न किसी नई व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ी थी, किंतु आर्यमा का उद्धार केवल गंगा जल से कैसे हो गया? देवी, संसार की रक्षा के लिए आर्यमा ने मन वचन और कर्म से असुर बनना अवश्य स्वीकार किया था, किंतु वे पूर्ण रूप से असुर नहीं बने थे, इसलिए गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही उनके सभी भारी कलुष धुल गए और वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। और केवल इतना ही नहीं देवी, आज देवी गंगा ने स्थापना की है कि अब से जो कोई भी गंगा जल का उपयोग करेगा उसका मन वचन और कर्म के सारे पाप धुल जाएंगे। सभी उठ जाइए।
पुत्री आप ठीक तो है ना? पिताश्री हम गंगा हैं, हमें देखते ही सारी चिंताएं स्वयं दूर हो जाती हैं। गंगा केवल माते की चिंता को छोड़ के। महाराज गंगा पुत्री आप ठीक तो है ना? असुर की सूचना मिलते ही हमें सबसे अधिक आपकी चिंता हो रही थी, कहाँ चली गई थी आप? माते हम तो सदैव ही समीप रहते हैं, केवल आप ही हमें ढूंढ नहीं पाती, है ना पिताश्री? सत्य कहा पुत्री, आपकी माते आपको ढूंढ नहीं पाती। महाराज यदि पुत्री की हाँ में हाँ मिला ली हो तो महल चले, गंगा को भूख भी लगी होगी, चलो। क्षमा करें माते, किंतु हमें ऋषिवर जानू के आश्रम जाना है ताकि हम सभी स्त्रियों को देख सके। ठीक है, किंतु हम भी आपके साथ चलेंगे, अन्यथा पुनः किसी कार्य में उलझ जाएंगे। चलिए। देवी गंगा ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है, अब उचित समय आने पर हमारा भी संकट अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु मुझे लगता है कि वो उचित समय अब आ गया है। वो समय आ गया है गुरुदेव जब हमें देवी गंगा को धरती से स्वर्ग में लाना होगा, ताकि वो उस अधर्मी अंध का सुर का अंत कर सके। देवराज इसका निर्णय तो केवल देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। राजकुमारी जी, आपने हमें उस समय अपनाया है जब सब ने हमारा त्याग कर दिया था। जी राजकुमारी जी, यदि आपने हमें ऋषिवर के आश्रम में स्थान नहीं दिलाया होता तो आज हम मां बनने के इस अलौकिक सुख से वंचित रह जाती। हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल एक राजकुमारी होने का धर्म निभाया है। किंतु राजकुमारी जी, इतनी छोटी आयु में जो आपने काम किए हैं वो सचमुच बहुत 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 बड़े हैं। जो भी हुआ वो सब केवल देवी आदि शक्ति और श्री हरि नारायण की कृपा से हुआ। राजकुमारी गंगा, हमारे लिए तो आप ही देवी के समान हैं, और हम सबका यही आशीर्वाद है कि संसार में एक दिन देवी के समान ही आपकी जय जयकार हो। राजकुमारी गंगा की जय। राजकुमारी गंगा की जय। राजकुमारी गंगा की जय। प्रणाम महादेव। हे प्रभु, देवी गंगा का अवतरण अंधकासुर का वध करने के लिए ही हुआ था, किंतु वो अधर्मी अब भी जीवित है और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु देवराज, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं, किंतु देवी गंगा का अवतरण इस संसार में केवल अंधकासुर के अंत के लिए ही नहीं हुआ है, उनके अवतरण के पीछे एक बृहद उद्देश्य है। प्रभु हम कुछ समझे नहीं। देवराज अभी सतयुग का आरंभ मात्र है, अभी संसार में धर्म का वास है, किंतु प्रत्येक युग के अंत के साथ धर्म के एक अंश का अंत होता जाएगा। देवराज जैसे सतयुग के पश्चात सत्य, त्रेता के पश्चात तप और द्वापर के पश्चात दया लोप हो जाएगी, तब देवता इस पृथ्वी से अदृश्य हो जाएंगे, किंतु तब भी देवी गंगा इस पृथ्वी पर वास करेंगी। कलयुग में धर्म और मनुष्यों की सबसे बड़ी सहायक होंगी देवी गंगा, इसलिए उन्हें इसी काल से अनेकों व्यवस्थाएं करनी होंगी, और सबसे प्रमुख होगी मंत्र शक्ति की स्थापना, ताकि सत्य तप और दया के लोप होने के पश्चात भी मनुष्य मंत्रों के द्वारा धर्म का पालन कर सकेगा और पुण्य का भागी बन सकेगा। सबकी हितकारिणी राजकुमारी गंगा की। राजकुमारी गंगा की। राजकुमारी गंगा की। राजकुमारी गंगा की।
यदि यहां आपको कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता अथवा वस्तु की आवश्यकता हो, आप निसंकोच हमें संदेश भेजवा सकते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम ऋषिवर। सबके दुखों का अंत करने वाली गंगा, तुम्हारा कल्याण हो। तरण करेगा सारे पापों का हरण, पुण्य की देवी का है अवतरण, करेगा सारे पापों का हरण। देवी गंगा जग हितकारी, धर्म स्वरूपा जन उपकारी, देवी गंगा जग हितकारी, धर्म स्वरूपा जन उपकारी। धन्य हुआ हिमवान का आंगन, हुआ जहाँ गंगा का आगमन, धन्य है माँ मैना का आंचल, जहाँ बनी गंगा गंगा जल, धन्य है माँ मैना का आंचल, जहाँ बनी गंगा गंगा जल। आप सत्य कह रहे हैं प्रभा, समय आने पर देवी गंगा धर्म और मानवता के जीवन का आधार होंगी, किंतु प्रभु यदि उस अधर्मी अंधकासुर का अंत अभी नहीं हुआ तो वो सतयुग में ही संपूर्ण धर्म का विनाश कर देगा। प्रभु देवराज, जैसे दिन और रात, अंधकार और प्रकाश एक समान होते हैं, उसी प्रकार अंधकासुर का इस संसार में होने का भी एक विशेष कारण है, क्योंकि कभी कभी अंधकासुर जैसी नकारात्मक और असुरी शक्तियां भी संसार के विकास का और नई स्थापनाओं का आधार बन जाती हैं। वो असुर, वो अधर्मी अंधकासुर सृष्टि के विकास का कारण बनेगा? कैसे प्रभु, ये कैसे संभव है? देवराज, यदि अंधकासुर ने स्वर्ग लोक पर अधिकार नहीं किया होता तो देवी गंगा का अवतरण इस संसार में ना हुआ होता। यदि उस अधर्मी ने दिव्य पितरों का हरण ना किया होता तो देवी गंगा द्वारा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए हर की पौड़ी का निर्माण नहीं हुआ होता। इसलिए बाधाएं भी विकास की ही जननी होती हैं। प्रभु, इस प्रकार तो उस अधर्मी का अंत कभी नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए देवराज, क्योंकि समय के साथ प्रत्येक पापी का अंत अवश्य होता है, अंधकासुर का भी होगा, किंतु उचित समय पर। प्रणाम प्रभु। अंधकासुर, 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 कहां हो तुम? अंधकासुर, अंधकासुर, कहां हो तुम? अंधकासुर, अंधकासुर, ये किस प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हो तुम? मुझसे छुप क्यों रहे हो? गुरुदेव, मैं तो केवल देवी गंगा से छिपने का अभ्यास कर रहा हूं, किंतु जब आपने मुझे ढूंढ लिया तो देवी गंगा तो अवश्य ही ढूंढ लेंगी। अंधकासुर, ये तो तब होगा जब गंगा जीवित बचेगी। जिसने एक एक करके मेरे सारे पित्रासुरों को मुझसे छीन लिया, गुरुदेव, उसे मुझ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? नहीं नहीं गुरुदेव, अब देवी गंगा से बचने का एक ही मार्ग है, उनके पुण्य कार्यों में सहयोग। अंधकासुर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो वो हो जिसने समस्त देवताओं को पराजित किया है।
आज एक छोटी सी बालिका से भयभीत हो रहा है? आपको जो समझना समझ लीजिए गुरुदेव, किंतु अब से मैं केवल देवी गंगा के लिए ही कार्य करूंगा, क्योंकि इसी में मेरी और समस्त असुरों की भलाई है। आइए पुत्री, आसन ग्रहण कीजिए। माते, लगता है आप भूल गए, ये हमारा भोजन ग्रहण करने का समय नहीं है, बल्कि भोजन बनाने में आपकी सहायता करने का समय है। चलिए हम भोजन बनाते हैं। नहीं पुत्री, रुकिए, भोजन तो कोई भी बना सकता है, किंतु स्त्रियों की रक्षा हर कोई नहीं कर सकता। माते, हम कुछ समझे नहीं, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं नहीं पुत्री, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, भूल तो हमसे हुई है आपको समझने में। हम अपनी साहसी, दिव्य और असाधारण गंगा को अपनी साधारण सी पुत्री समझ बैठे। माते, वही तो है हम, आपकी साधारण सी प्यारी सी पुत्री। नहीं पुत्री, आपने हमारी पुत्री के रूप में जन्म अवश्य लिया है, किंतु आप उससे कहीं बढ़कर हैं। आइए आइए, स्थान ग्रहण कीजिए और भोग लगाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। माते, हमको नहीं पता आपको क्या हो गया है, किंतु हम स्पष्ट बता देते हैं, हम गंगा है, गंगा आपकी पुत्री गंगा, और गंगा भोग नहीं लगाती, गंगा भोजन करती है। आप तो केवल हमें अपने हाथों से भोजन करा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। देख दिव्यता श्री गंगा की, सोच रही माता गंगा की। देख दिव्यता श्री गंगा की, सोच रही माता गंगा की। राजकुमारी गंगा की, राजकुमारी गंगा की, देवी का अवतार है। आभास हुआ प्रथम बार है, गंगा देवी का अवतार है। मैना देवी धन्य हो देखे, गंगा में सौभाग्य निरखे। भक्ति भाव में खो गई माता, बन गई श्रद्धा ज्योति ममता। देख दिव्यता श्री गंगा की, सोच रही माता गंगा की। अंधकासुर, यदि तुमने असुरों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का अंत करने का निर्णय कर ही लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब ये भी बता दो कि गंगा के कौन से कार्य में किस प्रकार सहायता करोगे? गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि देवी गंगा ने हर की पौड़ी का निर्माण किया है, किंतु यदि संसार में मनुष्यों की मृत्यु ही नहीं होगी तो उस हर की पौड़ी का क्या लाभ? इसीलिए मुझे मनुष्यों को असमय मृत्यु देकर देवी गंगा की सहायता करनी होगी। अंधकासुर, इसका अर्थ है कि गुरुदेव आप बात विलंब से समझते हैं, किंतु समझ ही गए। अब संसार में मनुष्यों की होगी अकाल मृत्यु, और इतनी मृत्यु होगी कि मनुष्यों के दुखों का भार गंगा की हर की पौड़ी भी नहीं संभाल पाएगी। अंधकासुर, किंतु ये होगा कैसे? काल से भी भयंकर अकाल के द्वारा अब संसार में मनुष्यों की होगी अकाल मृत्यु।
असमय काल हूँ, अकाल हूँ मैं, अकाल। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.